नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हमने आपको बताया है नंबर्स के बारे में। उसमें हम लोग पढ़े थे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, पहला वीडियो हमारा था। आप लोग अगर देखे नहीं हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और आज हम बात करेंगे रियल नंबर पर। तो आज हमारा टोटल फोकस जो होगा वह रियल नंबर पर होगा। ठीक है दोस्तों, तो रियल नंबर क्या होता है और ये रियल नंबर को कैसे समझा जाता है, तो हम इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं रियल नंबर। दोस्तों, हमने रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक रेशनल नंबर होता है और एक होता है इरेशनल नंबर। हिंदी बोले तो रेशनल का होता है मतलब परिमेय संख्या, और इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखिए रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके, वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए उसे कहते हैं रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या। ठीक, लेकिन ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यू का मान अगर जीरो हो गया तो वह कभी भी परिमेय संख्या नहीं होगी। पी बटे क्यू के रूप में अब जब भी लिखेंगे तो क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पी और क्यू ये दोनों के दोनों इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, जैसे साथियों, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर देखिए 5/3 पी बटे क्यू के रूप में है तो यह परिमेय संख्या है। 2/7 पी बटे क्यू के रूप में है तो परिमेय संख्या है। 13 भी परिमेय संख्या है। क्यों? देखिए, आप 13/1 लिखेंगे तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 13/1 करेंगे तो परिमेय संख्या बन जाएगा, अगर नहीं करेंगे तब पर भी इसका मतलब 1/1 होता है। 13 भी परिमेय संख्या है। -8 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि माइनस का 8/1 करेंगे तो भी परिमेय संख्या बन जाएगा। और 0.5555 ऐसे आ रहा है बार बार, तो यह भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम बताएंगे आपको, एक वीडियो में हम बताएंगे कि 0.5555 को परिमेय संख्या में कैसे लिखते हैं। अभी आप इतना समझिए कि 0.555 एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो यह भी परिमेय संख्या है। दोस्तों, 22/7 जो कि आप जानते हैं पाई का मान होता है, 22/7 भी परिमेय संख्या होता है। ठीक है, अच्छा, कड़ी में 9, देखिए दोस्तों, कड़ी में 9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि जब 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल आ जाएगा 3। ठीक, तो 3/1 कर देंगे, बिल्कुल परिमेय संख्या हो जाएगा। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकल जाएगा अगर वह अंडर रूट में दिया गया है तो वह भी परिमेय संख्या होगा। इतनी बात तो क्लियर है दोस्तों। अब आइए हम बात करते हैं रेशनल नंबर यानी इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या की। दोस्तों, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? सबसे बड़ी बात यहां आपके सामने है कि अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में न लिखी जाए, वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में न लिखी जाए उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, सॉरी, अपरिमेय संख्या। वह संख्या जो पी बटे क्यू के रूप में न लिखी जाए उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर लिखा है एग्जाम्पल में अंडर रूट 2, कड़ी में 2, कड़ी में 2 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते हैं तो कड़ी में 2 हो जाएगा अपरिमेय संख्या। कड़ी में 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है तो यह भी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। जो भी कड़ी के अंदर मान दिया हो जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वह हमेशा 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 अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर अंडर रूट 7 भी अपरिमेय संख्या है। एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, अगर कोई भी दसमो संख्या के रूप में लिखी गई है जो किसी एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे समझिए, जैसे 0.3333 या 0.3333 बार 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 अनंत बार आ रहा है, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक संख्या जो कि 3 है
यही बार बार आ रहा है, तो यह एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो यह आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर यह किसी पैटर्न को फॉलो नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी संख्या बार बार रिपीट हो रही है। जैसे दशमलव 1 3 4 5 2 1 7 8 2 1, इसके बाद ऐसे 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 पता नहीं क्या क्या संख्याएं आती रहती हैं, आती रहेंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर पता ही नहीं चल पा रहा है दोस्तों कि यह किसी किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब ये किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, तो यह आपका हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, जैसे अगर देखिए दशमलव 3 2 1 3 2 1 3 2 1, तो देखिए यहाँ पर एक पैटर्न मिला कि 321 321 321 बार बार रिपीट हो रहा है, तो यह होगा परिमेय संख्या। लेकिन यहाँ पर किसी भी पैटर्न को फॉलो नहीं देखा जा रहा है, कोई पता ही नहीं चल पाया कि किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पाई जो होता है, पाई होता है अपरिमेय संख्या, लेकिन पाई का मान 22/7 होती है परिमेय संख्या। अब बात यहां पर आती है कि पाई जो होता है वह अपरिमेय संख्या क्यों होती है। सबसे बड़ी बात आपके सामने यहां पर है, पाई का मान 22/7 परिमेय संख्या है, लेकिन पाई ही क्यों अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, पाई का मान 22/7 होता है, ये तो कंफर्म है, तो वह परिमेय संख्या होगा। लेकिन पाई का मान जो होता है दशमलव में, वह 3.14159 ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या संख्याएं आती रहती हैं, तो यहां से यह कंफर्म नहीं हो पाता है कि यह किस पैटर्न को फॉलो कर रही है, तो यह भी होगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो याद रखेंगे पाई का मान 22/7 जो होता है वह परिमेय संख्या है, लेकिन पाई खुद अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, आशा करता हूं इतनी बातें आपको समझ में आया होगा।